सो फाइनली हाय फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आ गई है। FSSI ने जो है वो आपके सारे क्वेश्चनों को खत्म कर दिया और आज यानी 8 फरवरी को जो है वो FSSI की एग्जाम डेट्स घोषित हो चुकी हैं। जी हाँ, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि ऑल बोर्ड की जो है वो सिर्फ हमें टेस्ट सीरीज चाहिए। तो फाइनली वो मूवमेंट आ गया जब ऑल बोर्ड ने जो है वो सिर्फ अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। जी हाँ, असिस्टेंट CFSO और TO के लिए। मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो आप लोगों को लिंक दे रहा हूँ और इसका कोड जो है वो है HNY। ये जो है वो आपका नया नोटिस है जो आपका 7 फरवरी को आया है। इसमें जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि आपकी सारी एग्जाम डेट जो है वो घोषित कर दी गई हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पेपर की बात कर लेते हैं, यानी कि असिस्टेंट की। असिस्टेंट का पेपर जो है वो आपका 31 मार्च को होने वाला है। यानी मैंने आप लोगों से कहा था कि एंड ऑफ मार्च में ये पेपर जाएंगे, आखिर वही हुआ। यानी 31 मार्च को जो है वो आपका असिस्टेंट का पेपर होगा। दो शिफ्ट है जिसमें पहले में टेक्निकल ऑफिसर और दूसरे में असिस्टेंट का पेपर होगा। अब बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 की। देखिए, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 जो है वो आपका 30 मार्च को होगा। यानी अगर आप लोगों ने दोनों के लिए अप्लाई किया है तो दोनों ही पेपर दे सकते हैं। दो शिफ्ट में होगा, ठीक है ना, अब फूड एनालिस्ट का और जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 का। अब CFSO के लिए देख लेते हैं। CFSO का पेपर भी आपका जो है वो 30 तारीख को होगा। इधर देख सकते हैं CFSO की डेट जो है वो आपकी 30 मार्च है। फूड एनालिस्ट की देख सकते हैं, IT असिस्टेंट, हिंदी ट्रांसलेटर और पर्सनल असिस्टेंट 29 मार्च को होगा। और ऊपर जो है वो आप लोगों की डेट दी गई है असिस्टेंट मैनेजर की, और ये दूसरा असिस्टेंट मैनेजर जर्नलिज्म और असिस्टेंट मैनेजर IT की। तो मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट एग्जाम डेट जो है वो आप लोग देख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी है असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट और CFSO और आपकी TO, ठीक। लेकिन आप लोगों को जो है वो टेस्ट सीरीज ज़रूर खरीदनी है, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये एग्ज़ाम जो है वो आपका एंड ऑफ मार्च जाएगा और वही हुआ। एंड ऑफ मार्च जो है वो ये एग्ज़ाम होने वाले हैं। यानी अब जो है वो आपको सारी चीज़ें छोड़ के सिर्फ टेस्ट सीरीज़ और रिवीजन पे फोकस करना चाहिए। जितनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे उतना ही आप लोगों को फ़ायदा होगा।